और भाई यहाँ पर जो है सीन हो चुका है हमारे ब्लॉग में, और भाई बारिश आ चुकी है बहुत तेज और हवा भी बहुत तेज चल रही है भाई। कपड़े पहन लो, कपड़े सच हो यार, हम परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। आपको जरा फ्रंट करने देख लो यार, बारिश और हवा कांप रहे हैं, हाथ भी उन पकड़ा नहीं जा रहा है, बहुत तेज बारिश हो गई है और उतने तेज जो है हवा भी चल रही है और ठंड लग रही है। भाई एक घंटे पहले आना चाहिए था, एक घंटे लेट हो गया हमें आने में, और इस वजह से जो है यहाँ पे जो है सीन हो गया हमारे साथ में, फोन भी हमारा जो है भीग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, फोन भी बहुत ज़्यादा भीग रहा है, खड़े हुए हैं यहाँ पे बारिश आ रही है तेज कर गए, ठीक है, देख सकते हो यार आ चुके हैं बहुत पूरी तरह से, हाथ काँप रहे हैं भाई, बैठे हुए आराम से, दिमाग खराब हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना, फोन पूरा भीग चुका है आराम से, फोन पूरा भीग चुका है और फोन को रखना पड़ रहा है मेरे को टोली के अंदर, बेचारा कुत्ता भी भाग रहा है, देख सकते हो बंदों का सीन हो गया, और अच्छी पनीर पनीर सब चीज चुकी है, ये भी भिगवा दे जो बहन जो खाली है अब, ठीक है ना भाई, ये कपड़े पहनने को बोल रहे हैं, मैं तो बहन जो कच्चे में जाऊँगा, मैं तो कच्चे में जाऊँगा, हाँ भाई यहाँ पर सीन हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्रिएट हो चुका है सीन, यहाँ पे देख सकते हो तुम, बारिश इतनी तेज आ रही है, बहुत तेज आ रही है, ना तो हम वहाँ के रहे ना हम यहाँ के रहे, ठीक है, हाथ पाँव कांप रहे हैं हमारे, वहाँ तक जाते जाते साले सारे जीत जाते, चलो ना भाई तुम ले जाओ, ना मैं नहीं ला रहा कुछ भी, यहीं खड़े रहो जहाँ तक खड़े हो, और भाई बारिश पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा, ये यहाँ पे जो टीम सी लगी हुई है सारे में देख सकते हो, सारे में टीम लगी हुई है यहाँ पे, यहीं पर हम रुक गए, देख सकते हो ये भाई बैठा हुआ है यहाँ पे खा रहा है केले, देख लो आप, देख लो भाई बेचारे ठंडी हवा से और बारिश से बचने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ये, ठीक है, एक वो बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बैठे हुए हैं आराम से, यहाँ का नज़ारा ऐसा है, देख लो भाई कैसा नज़ारा है यहाँ का, ठीक है भाई रास्ते में चलते हैं, और मेरे को अगर मौका मिला तो मैं आपको बता दिखा दूँगा थोड़ा बहुत रास्ता वगैरह, बाकी नहीं तो फिर घर जाके बात करेंगे, आपने इंजॉय तो किया होगा, आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग बताना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे आपको व्लॉग कैसा लगा, भाई साहब बड़ी मेहनत आ रही है बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर एडजस्ट कर लेना, और हमारा दोस्त का चैनल पे विजिट करना ना भूलना, मिस्टर फनफंडा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलना बिल्कुल भी, आप देख सकते हो ऊपर मस्ती हो रही है बंदरों की, बंदर मस्ती कर रहे हैं बैठ के, और हम अब चलते हैं, हम भी थोड़ी सी मस्ती करते हैं रास्ते में जाके, आपने देख तो भी होगी रात के कितनी मस्ती हुई है हमारी, और हर बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकल के आए हैं, और भाई यहाँ बैठे हुए हैं हमें जो है दर्द हो रहा है कान में, ठीक है ना, नहाने के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम जो है बैठ रहे हैं एक जगह पे चाय पीने के लिए, ठीक है ना, और यार आपको कैसा लगा व्लॉग हमें बताना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है, और बाकी मैं आपसे घर जाके बात करूँगा, फिलहाल के लिए मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि पूरा मैं भीग चुका हूँ बिल्कुल भी, और
मुझे लग रही है और बरसात भी बिल्कुल नहीं हो रही है मुझसे, और घर जाएंगे और घर जाके जब आपसे बात करेंगे देखना आप कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग ये देख के, आप मुझे बताना और बने रहना भाई, ठीक है ना, बताना हमें। जो हमारी चाय आ चुकी है यहाँ पे, चाय पियेंगे आराम से बैठ के, कुल्हड़ वाली, ठीक है ना, कुल्हड़ वाली चाय है ये, इस चाय को पियेंगे हम आराम से और हमें ये सारी सर्दी दूर हो जाएगी चाय पीने के बाद में, क्योंकि हमारे कपड़े सारे गीले हुए पड़े हैं, मेरे भी और मेरे फ्रेंड के भी। तो भाई एंजॉय करना, 10-20 रुपए की हमने आलू की चिप्स मंगाई है, वो खाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। देख सकते हो बंदों ने स्टार्ट कर दिया चाय पीनी है, देखो कुल्हड़ वाली चाय है ये, देख लो आप, ये है ना कुल्हड़ वाली चाय का मजा ही कुछ और, ठीक है। ये हमारे आलू के चिप्स भी आ चुके हैं, कुल्हड़ की चाय और चटनी, ठीक है ना, हम मजा ले रहे हैं, आप बताना कैसा लगा आपको। तो भाई बताना यार कैसा लगा यार आपको हमारा व्लॉग। तो यार मेहनत बहुत लगी है उसको बनाने के लिए, मेहनत बहुत लगी है, ठीक है ना, हमें ही पता है, बारिश पड़ रही थी, सारे काम हो रहे थे, लेकिन हम भी लोग बना रहे थे, और हम आए कितनी दूर से कम 50 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो यार इतना तो बनता है, एक लाइक तो बनता ही बनता है, इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक एम दे रहा हूँ, कम से कम 5000 लाइक आने चाहिए। और भाई 14 अगस्त को भाई का बर्थडे है, तो आप यार थोड़ा सा सपोर्ट करें, आपको मैं व्लॉग दिखाऊंगा बर्थडे का अपने का, तो आप एंजॉय करना उसको भी, पर यार अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है ना, जब भी काम चलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर अभी भी 45% है और 55% अनसब्सक्राइबर हैं जो वीडियो वॉच करते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है ना, जो वीडियो वॉच करते हैं भाई आप भी सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें, आगे आपका भी प्रॉफिट होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम मिलते हैं घर पे, आप वीडियो पे लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, बगल में जो घंटे वाले बटन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी वीडियो की सबसे पहले। तो तब तक के लिए भाई हम I'm dreaming through the night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races. We got this melody, and you can trust me. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone to be. But I am in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe.
We're running in the jungle of love. नहीं मेरे पास तो है। हमारा भी मन करता है, कोई बात नहीं यार, हम उस स्टेटस के नहीं है या हमारी उतनी हैसियत नहीं है, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी मिलते हैं भाई फिर घर पे। नहीं एक ही बनेगा, देख लियो हल्का मोटा मिल जाए।